123 की सिर्फ एक सबसेक्शन डिस्कस हुई थी कल। मैं तो सोच रहा था कल के डिस्कशन के बाद आज गायब भी हो जाएंगे लोग बग, पर वापस आ गए। इसका मतलब है कि समझ में आ रहा है। आए ना आए सर, आना तो पड़ेगा। नहीं, मुझे कल लगा था कि जिस लेवल पे हम लोग चले गए थे उसके बाद कुछ लोगों का इस क्लास में वापस लौटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुबह उठ के आना और ऐसी बातें सुनना जो समझ में ही ना आए। आ गया आ गया, जयेश तो आ गया। कोई आए नहीं आए, ये तो आएगा, मेरे को इतना तो विश्वास है, तो मैं इसी के लिए आ जाता हूँ। आप लोग भी सब मिल ही जाते हो। नाउ आगे बढ़े। सर कल जो आपने इतना सारा रायता फैलाया उसको जरा सा थोड़ा सा समेट दो। सर समेटना क्या है, कुल जमा 5-6 लाइन तो पड़ी थी कल। पहली बात, आप डिविडेंड दे सकते हो, लेकिन दे सकते हो करंट ईयर के प्रॉफिट में से, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में से, प्रीवियस ईयर्स के रिजर्व में से, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो फंड अवेलेबल करवा दे उसमें से। मैं समेट रहा हूं अब चीज को जो कल हमने फैलाई थी। करंट ईयर में से अगर आपको डिविडेंड देना है तो आप आराम से डिविडेंड दो, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन और प्रीवियस ईयर का अरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन उसमें से निकल जाए। क्योंकि इसके जो रूल्स बना के रखे हैं उनमें उन्होंने वो अलग पॉइंट डाल दिया है कि अगर आपको करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटना है तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से पहले इस साल का डेप्रिसिएशन हटा दो और फिर अरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन या लॉस विच एवर इज लेस। वो फंडा समझ में आया था। इसमें इनकम टैक्स का फंडामेंटल नहीं लगता कि जब तक पीएनएल में डेबिट बैलेंस है तब तक डिविडेंड नहीं बांट सकते। आपने आपको कल एक जो प्रॉब्लम हम करवा रहे थे उसमें हमने विच एवर इज लोअर लिया था, यानी हम सिर्फ एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन की चिंता कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं। कल मेरे पास कोई आया था कि सर वो जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस होते हैं इन इनकम टैक्स, वैसा कोई फंडा? सर वैसा कोई फंडा या नहीं है। यहां तो हम कह रहे हैं करंट ईयर का लॉस हटाओ, उसके बाद प्रीवियस ईयर का लॉस और डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर हो वो ले लो, और साथ में अगर कोई एक्यूमुलेटेड पीएनएल में बैलेंस, जैसे कल 1 लाख चल रहा था कि पीएनएल का 1 लाख था तो हमने उसे 1 लाख को भी कंसीडर कर लिया, क्योंकि वो 1 लाख ड्राई डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करने में काम आएगा। उसके बाद आप जो भी बचे उससे आप डिविडेंड बांट दो। करंट ईयर का डिविडेंड तो बट गया, क्या इसके लिए मैंडेटरी ट्रांसफर टू रिजर्व है? तो मैंने आपको बोला कि मैंडेटरी ट्रांसफर टू रिजर्व रूल्स तो खत्म हो गए। क्या हम प्रीवियस ईयर के रिजर्व्स में से डिविडेंड बांट सकते हैं? जी बिल्कुल बांट सकते हो आप प्रीवियस ईयर के डिविडेंड में से रिजर्व्स, प्रीवियस ईयर के रिजर्व्स में से डिविडेंड आराम से बांट सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला रूल था कि आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड बांट, प्रीवियस ईयर के उन प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट सकते हो जो रिजर्व्स में ट्रांसफर है, उनके लिए रूल अलग है, और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से अगर डिविडेंड बांटना है जो रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उनके लिए एज सच कोई रूल्स नहीं है सिवाय डेप्रिसिएशन और लॉसेस के। नाउ अब बात आती है कि सब प्रीवियस ईयर्स में से अगर बांटना है तो क्या है। तो सबसे पहला रूल था कि लास्ट 3 ईयर्स का, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के हर साल अगर आपने डिविडेंड दिया है तो उसके हर साल के डिविडेंड के एवरेज को आप मेंटेन करके चलोगे या उससे कम उससे ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो, उससे कम डिविडेंड आप दे सकते हो या नहीं ये इंपॉर्टेंट। तो आपको जो लिमिट दी गई थी वो क्या दी गई थी, अंडरलाइन कीजिए जाके, लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज डिविडेंड के बराबर या उससे कम देना है या मैं उससे ज्यादा भी दे सकता हूं। पहले पता लगाओ कि क्या लिखा है, नॉट एक्सीडिंग। हेलो, मिला या नहीं? अंडरलाइन भी करते जाओ उससे, और कल ही कर लिया सर अंडरलाइन तो हमने। अच्छा आपको रूल्स नहीं मिले, सॉरी, रूल्स आर नॉट विद यू।
ठीक है, इट्स नॉट एक्सीडिंग थ्री. फिर आपको जो विड्रॉ करना है अमाउंट, हाउ मच अमाउंट यू कैन विड्रॉ एट वन शॉट, आप एक बार में अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. एंड आई मेंशनड इट वेरी क्लियरली दैट फ्री रिजर्व विल नॉट इंक्लूड एनी एक्युमुलेटेड पीएनएल. क्यों नहीं लेंगे, वो हमने डेफिनेशंस के अंदर सब देखा था. ये विड्रॉल जो होगा, इस विड्रॉल में सबसे पहले तो करंट ईयर का लॉस जाएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन. प्रीवियस ईयर के एक्यूमुलेटेड लॉसेस या डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर, जो भी होगा वो जाएगा. उसके बाद जो बचेगा उसी से आप क्या बांट सकते हो, डिविडेंड. और मैक्सिमम विड्रॉल जो पॉसिबल है वो इतना है ताकि आपकी आखिरी में पेड अप शेयर कैपिटल का 15% बच जाए. हेलो. और एक छोटा सा पॉइंट हमने और निकाला था कि प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स को अगर आप यूज कर रहे हो प्रेफरेंस डिविडेंड देने में, तो आपको फिर करंट ईयर के लॉस को माइनस करने की जरूरत नहीं थी. इक्विटी डिविडेंड के अंदर वहां पर जरूरत थी. ये बातें हमने कल की थी. अब आज आगे बढ़ते हैं और आज की बात जो है वो अपनी पूरी मेथडोलॉजी चेंज कर रही है. जो अपन आज तक बचपन से करते आए वो पूरा खत्म हो रहा है. अब आती है आपकी सेक्शन टू. सेक्शन सब सेक्शन टू कहती है, जिसमें डेप्रिसिएशन वाली बात थी, सब सेक्शन टू कहती है दैट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन वन, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन वन डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ शेड्यूल टू. नाउ टेल मी, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन वन, यानी ये सबसेक्शन टू और ये शेड्यूल टू, ये सबसेक्शन टू और ये शेड्यूल टू पूरे कंपनीज एक्ट में एक ही पर्पस को सॉल्व करने के लिए, दैट इज 133(1) क्लॉज ए. ओ हेलो, हर जगह नहीं लग जाएगा शेड्यूल टू. साफ लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन वन, यानी ये जो शेड्यूल टू है इट इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी अदर पर्पस. आई टेल यू, आएगा ही नहीं, कोई और पर्पस ही सॉल्व नहीं करने वाला. वो सिर्फ एक सेक्शन के एक सबसेक्शन के लिए वो बना हुआ है. अभी मैं बताऊंगा शेड्यूल टू, वहां भी लिखा हुआ है सी सेक्शन 123, शेड्यूल टू के नीचे भी लिखा हुआ है सी सेक्शन 123. मतलब शेड्यूल टू का कहीं और रेफरेंस दे दिया गया हो कंपनीज एक्ट में वो बात अलग है, लेकिन मेनली शेड्यूल टू बनाया गया गाय के लिए, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड वाला पॉइंट. अब बात आती है कि फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन वन डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल टू. और मैंने आपको कल ही बताया था कि वॉट इज द क्लॉज ए. क्लॉज ए ने कहा था कि आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर अराइव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन टू, यानी आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो प्रोवाइड फॉर करना ही है डिविडेंड देने के पहले. अब आदमी कहता है जी मुझे डिविडेंड देना ही नहीं है, मैं डेप्रिसिएशन ही नहीं लगाऊंगा. कंपनी से एक मिनट, वो कहां कह रहा है मैंडेटरी, मैं नहीं डिविडेंड दे रहा, मैं नहीं डेप्रिसिएशन लगा रहा. सर डेप्रिसिएशन तो आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खुद के रूल्स जो हैं वो कह रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आपसे कह रहा है कि आपको हर साल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना जरूरी है. बात खत्म हो गई. तो एक चीज तो ये बहुत क्लियर हो गई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के कारण अपने को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा. अभी भी पुराने कंपनीज एक्ट में भी कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं था कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना मैंडेटरी है, लाइक दैट न्यू कंपनीज एक्ट में कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है. पूरे कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा. और ऊपर से इनके रूल जो कल देखे थे उसमें मैंने खुद बताया था आपको कि ये लिख रहे हैं कि अगर डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर में प्रोवाइड फॉर ना किया गया हो. हेलो,
तो इसका मतलब है कि यहां से आज भी कोर्ट के अंदर खड़ा होकर कोई भी ये वकील प्रूव कर सकता है कि कंपनीज एक्ट में कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है कि हम क्या लगाएं डेप्रिसिएशन, और दूसरा ऊपर से बोल दिया है कि अगर प्रीवियस ईयर्स में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड फॉर नहीं किया हो तो इस साल डिविडेंड देने के पहले प्रीवियस ईयर के डेप्रिसिएशन और या लॉस दोनों में से जो भी कम हो को प्रोवाइड फॉर करो। इसका मतलब है कि कंपनीज एक्ट तो चाहता है, मतलब कंपनीज एक्ट कहीं ये नहीं चाहता कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना मैंडेटरी है। ये बहस 1956 से चली आ रही है और 2013 में भी जारी है। मालूम नहीं क्यों एक लाइन लिखने में इनका क्या जाता है दैट डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। जो एनामलीज चली आ रही है 1956 से वो एनामलीज चली आ रही है अभी भी, तो फिर नया एक्ट बनाने का मतलब क्या निकला बताओ। तुम 1956 में भी यही बहस कर रहे हो, तुम 2013 में भी यही बहस कर रहे हो, तुम जानबूझ के चाहते हो कि डेप्रिसिएशन लगाने का कोई पॉइंट यहां छोड़ दिया जाए। आपने यहां मैंडेटरी नहीं बोला, पीछे मैंडेटरी नहीं बोला, कहीं भी मैंडेटरी नहीं बोला। आप देखेंगे पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट और जब जाके पता चलेगा कि मैंडेटरी। वैसे भी डेप्रिसिएशन दो तीन जगह पे ही आता है कंपनीज एक्ट, एक यहां आता और एक मैनेजर रेमुनरेशन कैलकुलेट करने में आएगा और तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आएगा। इसके अलावा बेचारे डेप्रिसिएशन का कहीं नाम ही नहीं है पूरे इधर। नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन वो सीएसआर के कैलकुलेशन में आ जाएगा, तो सीएसआर के कैलकुलेशन में भी हम देख लेंगे कि वो आपको नेट प्रॉफिट लाना है। तो जहां जहां नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा इट इज ऑलवेज आफ्टर डेप्रिसिएशन। पर अब क्या होता है कि मैनेजरियल रेमुनरेशन कैलकुलेट करना है तो वो लिखता है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मैनेजरियल रेमुनरेशन डेप्रिसिएशन शुड बी दिस, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग सीएसआर डेप्रिसिएशन शुड बी दिस। तो यार सब सबके लिए आप डेप्रिसिएशन शुड बी एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 को रिडायरेक्ट कर देते हो। अब पूरा कंपनीज एक्ट जो है 123 सबसेक्शन 2 पे रिडायरेक्ट कर देगा जहां जहां डेप्रिसिएशन आएगा। हेलो, और 123 सबसेक्शन 2 लग रही है कब, व्हेन यू आर पेइंग डिविडेंड। यानी अगर आप सीएसआर का कैलकुलेशन कर रहे हो तो कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन ले लो, मैनेजर रेमुनरेशन का कैलकुलेशन कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन ले लो, डिविडेंड का कंप्यूटेशन कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन ले लो। आप एक्चुअल में अकाउंट में प्रोवाइड फॉर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उससे किसी को कोई मतलब ही नहीं। सब थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कंप्यूटेशन में लेना अलग बात है और बुक्स के अंदर प्रोवाइड करना अलग बात है। सर मैनेजरियल रेमुनरेशन कंप्यूट करने के लिए मैंने पीएनएल जो निकाला उसमें डेप्रिसिएशन ठोक के मैनेजरियल रेमुनरेशन निकाल लिया और उसके बाद पीएनएल में डेप्रिसिएशन नहीं बताया। कंपनीज एक्ट का कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन लगाओ सिवाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के। The only hero which provides depreciation is AS6. बाकी डायरेक्ट प्रोविजन ही नहीं, ना 1956 में थे ना 2013 में। और ऊपर से वो एनामली कल हमने देखी वो तो आई गई है कि इफ नॉट प्रोवाइडेड फॉर देन पहले उसको सेट ऑफ करो, तो वहीं से निकल गया कि यार नहीं भी प्रोवाइड फॉर कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। और ये कोई आज की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है जो आप मेरी तरफ ऐसे आश्चर्य से देख रहे हो, ये पिछले 50 साल से कॉन्ट्रोवर्सी चली आ रही है और हर आदमी इसको डिस्कस करता है। किसी ने नहीं कहा कभी आपसे कि कंपनीज एक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन मैंडेटरी है, कभी नहीं कहा और कभी कहेगा भी नहीं। कौन निकालेगा ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बात। आगे बढ़ो, नेक्स्ट सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 के लिए हमको जाना पड़ेगा कहां पर, शेड्यूल 2 में, और शेड्यूल सबसे आखिरी में दिए हुए, और उसको आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा। आपकी वर्षों की तपस्या खत्म हो गई अब जी, उसमें कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ नया एकदम फ्रेश। आपके सारे के सारे जो भी फंडे थे वो फंडे निपटा दिए गए हैं। आइए जरा शेड्यूल 2 की तरफ चलें, लेट्स सी। शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 पे भी आना है। लो जी आ जाओ, शेड्यूल 2 जो हमारा पहले हुआ करता था शेड्यूल 14 स्वर्गीय हो गया, बड़े दुख के साथ सूचित करने में आता है कि शेड्यूल 14 की डेथ हो चुकी है और शेड्यूल 2 एक्ट में आ चुका है 1 अप्रैल से। इस साल कंपनियों में डेप्रिसिएशन ऐसे ही लगेगा, तुम चाहे मानो या मत मानो। हम कोई बहुत जल्दी नहीं पढ़ रहे हैं,
एक्ट को, हम बिल्कुल सही टाइम पे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं सर, फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट में ही लगाना पड़ेगा ये। कहां से जल्दी पढ़ रहे हैं, जून आ गया पहला क्वार्टर एंड, फर्स्ट क्वार्टर एंड के रिजल्ट ही इस पे बनेंगे, सारा डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा। अभी तो चक्कर ये है कि ट्रांजिशनल प्रोविजन का क्या करना है नोबडी नोज। शेड्यूल टू सी सेक्शन 123 यूजफुल लाइफ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए यूजफुल लाइफ दी गई है, रेट नहीं दिए गए, रेट गए। एक एक शब्द चबाना पड़ेगा सर इसका। तो रूल कहता है डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेसिडुअल वैल्यू। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज अ पीरियड ओवर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू अवेलेबल फॉर यूज ऑफ एन एंटिटी और द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट ऑफ द एंटिटी। वाओ, A6 तो ठीक है, लेकिन इनका ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यूनिट प्रोडक्शन मेथड को बैन करके रखा हुआ था 1956 में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज बैंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, जो होती थी कि मशीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन 11th 12th में हमने छोड़ दिया था, तो अब मैं क्या करूं यहां, मैं यहां पढ़ा रहा हूं गम नहीं 2030 तेरे को यूनिट प्रोडक्शन मेथड नहीं मालूम तो अब मैं क्या करूं बताओ आप। सो वेरी सिंपल, अब यहां पे क्या बोल दिया, यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ यूज बाय द एंटिटी और नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट बाय द एंटिटी। क्यों लिखी है लाइन, जब तुम्हारी शेड्यूल का टाइटल यूजफुल लाइफ है और तुमने यूजफुल लाइफ ईयर्स में दिए है, तो फिर ये डाल के कॉन्ट्रोवर्सी करने की जरूरत है, या तुम चाहते हो कि हम प्रोडक्शन मेथड लगा लें? अगर तुम छोटी छोटी सी बातें ध्यान में नहीं रखोगे ड्राफ्टिंग में, तो मेरे जैसा आदमी चार इंटरप्रिटेशन निकालेगा इसके। तुमने तो उठा के डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन उठा के AS6 की ठोक दी और नीचे पूरी यूजफुल लाइफ तुमने दे रखी है कि इसमें ईयर्स में। अब मैं पूछता हूं कि जब नीचे सारी यूजफुल लाइफ तुमने ईयर्स में दे रखी है, तो यहां नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट का मतलब क्या है? मतलब ये तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ईयर्स को छोड़कर प्रोडक्शन मेथड पे चला जाऊं? फिर किसी दिन मेरे सरी का कोई आदमी कोर्ट में खड़ा होगा और बोलेगा साहब मैं तो यूनिट प्रोडक्शन मेथड लगाऊंगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वेरी मच डेफिनेशन जो दी हुई है कहां पर, वेरी फर्स्ट डेफिनेशन जो दी गई है कहां पर शेड्यूल में, वो खुद ही बोल रही है प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट, तो आप मेरे को ईयर लेने से कैसे रोक सकते हो? बट इंटेंशन ऑफ द लॉ इज नॉट दैट कि आप यूनिट प्रोडक्शन मेथड लगाओ। और वो सर्कुलर का आप क्या होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जारी किया हुआ था, दैट यूनिट प्रोडक्शन मेथड इज नॉट अप्लीकेबल। देखते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ दिस शेड्यूल द टर्म डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स अमोर्टाइजेशन। बहुत बढ़िया, हम इंक्लूड करेंगे अमोर्टाइजेशन को भी। दैट मींस दे आर फॉर टेंजिबल्स एंड इंटेंजिबल्स बोथ, वेयर अवर शेड्यूल 14 वॉज लैकिंग बिहाइंड दिस, बट ठीक है। अब बोलते हैं इन केस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस सच क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच क्लास ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 133। अभी ऐसी कौन सी कंपनी है जिस पे सेक्शन 133 नहीं लगेगी? सब पे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं। तुम्हारे एक्ट में आज तक एक भी कंपनी ऐसी नहीं मिल रही जिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लग रहे हो, तो फिर ये बात फालतू करने की जरूरत क्या है? इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइड विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 133 द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट शैल नॉट नॉर्मली be different from the useful life and the residual value shall not be different from as indicated in part C, provided that if company uses a useful life or residual value which is different from the useful life or residual value indicated therein, it shall disclose the justification for the same. लो भैया, liberty मिल गई, जो करना जो करो।
पहले शेड्यूल 14 चिल्लाता था कि ये मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड डेप्रिसिएशन है, इससे नीचे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, और इससे ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना हो तो बोनाफाइड टेक्निकल रीजन होना चाहिए। अरे सरकार आईपीसीसी तक में पढ़ा हुआ था, ऐसे क्या कर रहे हो, पुराना नॉलेज कैसे दूं मैं बताओ। शेड्यूल 14 के अंदर हमारे ऑफिस के अंदर हम लोग जो रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करते थे, शेड्यूल 14 चिल्ला चिल्ला के कहता था कि कोई भी डेप्रिसिएशन रेट लो वो मुझसे नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर जाने के लिए भी बोनाफाइड टेक्निकल रीजन होना चाहिए। यहां तो हमें छूट दे दी गई, हम वही नॉर्मली तो हम वही यूजफुल लाइफ लेंगे और वही रेसिडुअल वैल्यू लेंगे जो यहां दी गई है, लेकिन अगर डिफरेंट लेते हैं देन वी हैव टू एक्सप्लेन द रीजंस क्यों दी ये लिबर्टी, तो फिर डाइल्यूट हो जाती है ना चीजें, फिर आपकी यूजफुल लाइफ को तो कोई भी कैसे भी रिबट कर सकता है कि साहब ये तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कंपनीज, यानी जिन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लग रहे हैं या जो स्पेसिफाइड नहीं है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कंपनी यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट शेल नॉट बी लॉन्गर देन द यूजफुल लाइफ एंड द रेसिडुअल वैल्यू शेल नॉट बी हायर देन द प्रिस्क्राइब्ड पार्ट सी। अब कौन सी कंपनीज हैं जिनके पास लिबर्टी नहीं है और कौन सी कंपनीज है जिनके पास लिबर्टी है, तो जितनी बिग कंपनीज और पब्लिक कंपनीज है उनके पास तो लिबर्टी पड़ी हुई है, लेकिन बाकी अदर कंपनीज के पास लिबर्टी नहीं है। इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 133, तो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि कौन सी कंपनीज के ऊपर जो है दिस विल बी एप्लीकेबल, मतलब जिसमें हम यूजफुल लाइफ वेरी कर सकते हैं लेकिन बाकी सब में हम यूजफुल लाइफ वेरी नहीं कर पाएंगे, लॉन्गर नहीं ले पाएंगे। Useful life cannot be taken as longer and residual value cannot be taken as higher. यानी minimum prescribed depreciation का criteria भी है, लेकिन minimum prescribed depreciation का criteria एक class of companies पे और दूसरी class of companies पर minimum prescribed depreciation का criteria नहीं है, आप चाहें तो higher या lower भी ले सकते हैं। अभी अपन देखते हैं prescribed companies कौन सी है वो बाद में, पहले आए part B पर। part B में क्या बोलते हैं, The useful life of an asset, useful life or residual value of any specific asset as notified by accounting for the purpose of regulatory authority constituted under an act of parliament or by the central government shall be applied in calculating depreciation to be provided for such asset irrespective of requirements of this schedule. मान लीजिए कल से आरबीआई ने बैंक को बोल दिया कि आपको डेप्रिसिएशन ऐसे फॉलो करना है, तो फिर बैंकिंग कंपनी वो डेप्रिसिएशन लगाएगी। कल से इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया कि आपको डेप्रिसिएशन ऐसे लगाना है, तो फिर वो वैसे लगाएगी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के रेगुलेशन ने आके बोल दिया कि आपके एसेट का डेप्रिसिएशन वो रहेगा, तो वो रहेगा, फिर ये वाला शेड्यूल अप्लीकेबल नहीं होगा। यानी यहां से एक ही पॉइंट निकल के आता है कि डेप्रिसिएशन आपको लगाना है इस शेड्यूल के तहत, लेकिन अगर आपका स्टेच्यूट स्पेशल रेट्स प्रोवाइड फॉर करता है तो आप वो स्पेशल रेट्स प्रोवाइड फॉर करेंगे, फिर ये शेड्यूल अप्लीकेबल नहीं है। देन उन्होंने देना चालू किया, सब्जेक्ट टू पार्ट ए एंड पार्ट बी अबो द फॉलोइंग आर द यूजफुल लाइफ ऑफ वेरियस टेंजिबल असेट। लो सर, टेंजिबल असेट्स की यूजफुल लाइफ दे दी गई, बिल्डिंग अदर देन फैक्ट्री बिल्डिंग। देखो एक ही बार पढ़ रहे हैं अपन इस शेड्यूल को, जिंदगी में दूसरी बार इसके सबकी यूजफुल लाइफ नहीं पढ़ेंगे, पर आज अपन कंप्लीट लिस्ट पढ़ेंगे ताकि कम से कम एक बार तो रीडिंग हो जाए, क्योंकि बाद में तो सिर्फ अपन ढूंढेंगे। आप बताओ ना यार, ऐसे इतने बड़े बड़े शेड्यूल अपन कब पूरे पढ़ते हैं, अपने को बोलते हैं ये एसेट की देखना क्या है तो आप जाके देख लेते हो, पर एक बार तो रीडिंग हो मेरी भी और आपकी भी कि आखिर इसमें दिया क्या है और कैसी कैसी बिल्डिंग दी है। पहले दी गई है बिल्डिंग NESD, लो मर गए, बिल्डिंग पे नो एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन, कुछ भी हो जाए बिल्डिंग पर सिर्फ सिंगल शिफ्ट डेप्रिसिएशन रेट ही लगेगा, डबल ट्रिपल लगेगा नहीं, चाहे तुम 24 घंटे यूज करो। NESD का मतलब होता है नो एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन, यानी तीन पाली में भी अगर यूज करोगे तो दैट इज कॉल्ड NESD, नो एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन, सिंगल रेट से ही डेप्रिसिएशन लगना है।
बिल्डिंग अदर देन फैक्ट्री बिल्डिंग आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर पे अगर हो तो 60 साल, बिल्डिंग अदर देन फैक्ट्री बिल्डिंग अदर देन आरसीसी स्ट्रक्चर पे हो तो 30 साल, फैक्ट्री बिल्डिंग 30 साल, फेंसेस वेल्स ट्यूबवेल्स 5 ईयर्स एंड अदर्स 3 ईयर। यानी फेंसेस वेल्स और ट्यूबवेल बेचारे जो लवारिस घूम रहे होते थे उनको उठाकर बिल्डिंग में डाल दिया गया। बाउंड्री वॉल वेल और ट्यूबवेल दे हैव बीन क्लासिफाइड एज बिल्डिंग। उसके बाद दे दिया ब्रिजेस कलवर्ट्स बंडर्स एटसेट्रा दे ऑल आर एनईएसडी 30 ईयर्स। फिर रोड्स वाओ ऐसे तो कभी मिली नहीं है, रोड वोड तो मिली नहीं थी अपने को कभी। अब आई रोड और रोड भी कौन कौन सी अलग अलग टाइप की रोड सर, कारपेटेड रोड्स यानी पक्की सड़क, कारपेटेड रोड मत नहीं समझ सोचना गलीचा बिछा है, पक्की रोड। कारपेटेड रोड आरसीसी की है तो 10 ईयर और कारपेटेड रोड डामर की है तो 5 ईयर्स। डामर का लिखा है तो अदर लिखा है ना, और काय की रोड बनती बताओ, इंडिया में दो ही तो रोड बनती, और कौन सी तीसरी रोड बनती है। नॉन कारपेटेड रोड 3 ईयर्स, मुरम मुरम बिछा के आपने बुलडोजर चलवा दिया तो वो सब हो तो रोलर चलवा दिया 3 ईयर, 3 साल उसकी यूजफुल लाइफ। चलो ये रोड जो है अपने अपने असेट में अलग से दिखेगी अब रोड्स। और सर अब तक नहीं दिख रही होगी तो सबसे लफड़ा ये नहीं है कि अब मैं ये कैसे लगाऊंगा, लफड़ा ये है कि आज तक जो किया वो रायते का क्या होगा। अब बनानी बैलेंस शीट क्वार्टर एंडिंग की, रोड बोले पहले तो दिखाई नहीं कहीं रोड, रोड तो कहीं इंक्लूडेड बिल्डिंग में तो निकाल बाहर, निकालना पड़ेगा बाहर आपको रोड में भी बहुत काम करना है अपने को ऑफिस में अगर है तो। प्लांट एंड मशीनरी जनरल रेट एप्लीकेबल टू प्लांट एंड मशीनरी नॉट कवर्ड अंडर स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी। पहले जनरल प्लांट एंड मशीनरी दूसरी स्पेशल है। जनरल की यूजफुल लाइफ 15 साल, कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट एनईएसडी 8 साल। ये भी एक बड़ा जबरदस्त फंडा है। कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट का मतलब ये नहीं कि जिसको आपने 24 घंटे चलाया, कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट का मतलब है जिसको 24 घंटे चलाना जरूरी है। रोक दिया तो इतनी बड़ी शटडाउन कॉस्ट आ जाएगी कि 2 साल की प्रोडक्शन कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। अरे यार फर्नेस होती है, अब वो फर्नेस जलाई तो जलती रहने दो, क्योंकि रोकी तो जितनी ब्रिकिंग है वो सब ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी। अब चलने दो, प्रोडक्शन हो नहीं हो चलने दो। इफ दिस काइंड ऑफ पहले होते थे सीमेंट प्लांट, आजकल तो नए सीमेंट प्लांट आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। पुराने सीमेंट प्लांट जो होते थे उनको बंद ही नहीं कर सकते थे आप, थोड़ा थोड़ा सीमेंट रोड प्रोड्यूस करो, बंद कर दोगे तो उसके अंदर सीमेंट जम जाएगा और जमने के बाद अब वापस चालू करना है तो शट डाउन कॉस्ट और वापस चालू करने की कॉस्ट बहुत लंबी हो जाती थी, तो वो एनुअल मेंटेनेंस पे बंद होते थे नहीं तो बंद ही नहीं होते थे। तो ऐसे प्लांट्स जिनको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट। एक मिनट ध्यान रखना, एक लूम वाली फैक्ट्री है। अब भीलवाड़ा वाले कोई बैठे होंगे बोले हमारे यहां तो 24 घंटे लूम चल रहे हैं। अरे तुम्हारे यहां 24 घंटे चल रहे हैं लेकिन कभी भी ऑन करके कभी भी ऑफ कर सकते हो, उसमें कुछ कोई शटडाउन कॉस्ट नहीं है उसकी, लेकिन यू है तो कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट की यूजफुल लाइफ उन्होंने कितनी मानी है, 8 साल। अब स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी में सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स, फिल्म बॉलीवुड के लिए रेट दे दिए भैया, ओ रेट कहां दिए, अब तो यूजफुल लाइफ दी। प्रोजेक्टर की यूजफुल लाइफ 13 साल। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा प्रोजेक्टिंग इक्विपमेंट फॉर एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स 13 इयर्स। कोचिंग क्लास के प्रोजेक्टर की नहीं दिया आपने, हमारा प्रोजेक्टर क्या करेंगे, उनका तो दे दिया, ढूंढेंगे हमारा प्रोजेक्टर कहां है। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी यूज इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, वाह वाह वाह, ग्लास मैन्युफैक्चरर अगर कोई हो आपका क्लाइंट तो प्लांट एंड मशीनरी 13 साल। प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्ट फायर ग्लास मेल्टिंग, अभी आ रही है तो टोटली स्पेसिफिक है, फ्लोट ग्लास मेल्टिंग प्लांट एंड मशीनरी यूज इन माइंस एंड क्वेरी, पोर्टेबल अंडरग्राउंड मशीनरी 8 ईयर। प्लांट एंड मशीनरी यूज इन टेली कम्युनिकेशन, टावर की यूजफुल है 18 साल। टेलीकॉम ट्रांस रिसीवर स्विचिंग ट्रांसमिशन एंड अदर नेटवर्क इक्विपमेंट 13 साल। कैसी बातें कर रहे हैं ये, टेलीकॉम ट्रांस रिसीवर और स्विचिंग
सेंटर 5 साल से ज्यादा नहीं चलेंगे, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो जाती, 13 साल रखने का क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा है, बट दे हैव टेकन इट एज 13 ईयर्स। टेलीकॉम डक्ट्स केबल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर की यूजफुल लाइफ 18 साल है, सैटेलाइट की यूजफुल लाइफ भी 18 साल है, बहुत बढ़िया। प्लांट एंड मशीनरी यूज इन एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन, रिफाइनरी 25 साल, ऑयल गैस 25, पेट्रोकेमिकल 25, स्टोरेज टैंक 25, पाइपलाइन 30 साल, ड्रिलिंग रिग, वो रिग जो अपन लगाते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में वो निकालते थे, उसकी यूजफुल लाइफ भी 30 ईयर्स। फील्ड, आप एक बात को गौर करना, मजा तो अब आने वाला है, क्योंकि हमने तो इन सबको अब तक प्लांट एंड मशीनरी मान के एक ही रेट मारा है, और इनको सबको भी एक ही रेट मारा है। अब ये किसी की 25 बता रहे, किसी की 30 बता रहे, किसी की 8 बता रहे, और हमने तो सबको मान रखा है कि इतना 25 और जो भी अपने रेट थे। तो अब उसका प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएगी कि अब उसका करना क्या है, देखते हैं वो भी। देन लॉगर्स, ठीक है, और ये लंबी लिस्ट है सर। प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए रेट अलग आ गए सर, नहीं है मेरी श्रद्धा पढ़ने की अभी। प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन मेडिकल एंड सर्जिकल ऑपरेशन, लो भैया हॉस्पिटल के रेट है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, तो साहब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रेट है, मजा है आप तो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी इन केस ऑफ सॉल्ट वर्क्स, नमक बनाने वालों के लिए भी अलग रेट है, बहुत बढ़िया। और नाट्य अकेडमी की प्लांट एंड मशीनरी का रेट, बोले आप तो जनरल हो, हम किस में आएंगे, हम स्पेसिफिक में थोड़ी आएंगे, वी ऑल आर इन जनरल। वो तेरा भविष्य सो रहा है रे, उठ जा, क्या कर रहा है, ये कैसे लगाएगा डेप्रिसिएशन, हद हो गई, चले आगे। अरे अभी 3 महीने बाद ही नया लगाना, अगर ऑफिस है तो कोई नहीं समझाने वाला, बॉस बोलेंगे जरा बैठ के देख कैसे लगाना, तो फिर कहां देखेगा बैठ के, ना कौन समझाएगा आपको ऑफिस में, बताओ। बॉस बोल देंगे यार नए रेट पढ़ के बता, तू फाइनल में है ना, चलो आज शाम को मीटिंग करेंगे और डिस्कस करेंगे। अब यहां कहां डिस्कस करेंगे, खुद ने भी नहीं पढ़ा, फिर मीटिंग होगी, उसके बाद क्या पढ़ा, अरे यार ये सब तो बहुत उलझा हुआ है, चलो किसी को बुलाते हैं फिर अपन बात करेंगे, वो मीटिंग खत्म, फिर कोई और आएगा और वो आके समझाएगा, बेटर है कि आप समझो। नाउ फर्नीचर एंड फिटिंग्स, जनरल फर्नीचर 10 साल और स्कूल कॉलेज के फर्नीचर 8 साल, वाह यार, हमारे लिए फर्नीचर बिल्कुल 2 साल हमारी यूजफुल लाइफ कम है बाकियों से। देखो ना आप लिखा है यहां पे, फर्नीचर फिटिंग यूज्ड इन होटल रेस्टोरेंट बोर्डिंग हाउसेस स्कूल कॉलेजेस एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी वेलफेयर सेंटर मीटिंग हॉल सिनेमा हाउस थिएटर सर्कसेस एंड फर्नीचर एंड फिटिंग लेट आउट ऑन हायर फॉर द यूज ऑन ओकेजन ऑफ मैरिजेस एंड सिमिलर फंक्शंस 8 ईयर्स, उनकी यूजफुल लाइफ 8 साल। इनकम टैक्स बढ़िया यार, 3 रेट दे दिए और खत्म करो, 5, 10, 15, 25 ऐश करो यार, यूजफुल लाइफ, अब तो रेट भी नहीं है, मजा तो तब आएगा कि अब मेथड कौन सी लगाऊं, WDV लगाऊंगा तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद वो कैलकुलेटर पे इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हुए भी आना चाहिए, वो नहीं आया तो ऑफिस से बाहर। यूजफुल है सर, SLM ही लगा लेंगे हम तो, SLM लगा लेना क्या दिक्कत है। नाउ मोटर व्हीकल, लो भैया मोटर व्हीकल पे भी आ जाओ, मोटरसाइकिल स्कूटर अदर मोपेड 10 साल, मोटर बस मोटर लॉरी मोटर कार मोटर टैक्सी यूज्ड इन अ बिजनेस रनिंग नेम ऑन हायर 6 ईयर्स, नॉर्मल कार 10 साल, कमर्शियल कार 6 ईयर्स, मोटर बसेस मोटर लॉरीज एंड मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन बिजनेस 8 ईयर्स, नॉर्मल 8 है कमर्शियल 6 है, नाटा एकेडमी की बस 6 साल, मेरी खुद की बस हो घर में चलाने वाली तो 8 साल,
motor tractor harvesting 8 years. Electricity operated vehicle including battery powerful or fuel cell powered vehicle 8 years. यानी व्हीकल की 10, 6 और 8 तीन रेट हैं अलग अलग, मतलब 3 इयर्स हैं अलग अलग. शिप्स बल्क कैरियर एंड लीनर वेसल मतलब माल ले जाने वाली 25 ईयर. क्रूड टैंकर्स जो क्रूड ऑयल लीडर्स उधर ले जाते हैं उनकी 20 ईयर. केमिकल और एसिड कैरियर विथ स्टेनलेस स्टील टैंक्स 25, विदाउट टैंक्स 20. जाओ जाओ शिपिंग इंडस्ट्री में डेप्रिसिएशन लगाओ, कभी नहीं पढ़ेंगे अपन दूसरी बार इसको, एक बार तो देख ले हैं क्या क्या. देन शिप्स में ओशन गोइंग शिप्स बल्क कैरियर अगर, अच्छा शिप्स भी दो टाइप की होती हैं, एक ओशन गोइंग शिप्स जो महासागर पार करेगी, गुड 25 20. स्टेनलेस स्टील ओके. लिक्विड गैस कैरियर 30 ईयर. कन्वेंशनल लार्ज पैसेंजर वेसल विच आर यूज फॉर क्रूज पर्पस 30. कोस्टल सर्विस शिप फॉर ऑल कैटेगरी 30. ऑफशोर सप्लाई ऑफ सपोर्ट वेसल 20. ऑफशोर सप्लाई ऑफ सपोर्ट वेसल को 20 क्यों लिया, क्योंकि ये लोग ट्रांसशिपमेंट में काम आते हैं. ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, वो एक्साइज में है. नाउ कस्टम्स सॉरी मतलब वो पढ़ाते तो एक ही सर है. नाउ हाई स्पीड पैसेंजर फॉर शिप बोट्स सब 20 ईयर्स. जो छोटे मोटे स्कूटर्स और अलग चीजें होती हैं जो हाई स्पीड बोट्स होती हैं, दे ऑल आर ओके. सर ये कब खत्म होंगी. ड्रिल करने वाली शिप्स 25. हॉवर क्राफ्ट 15 ईयर्स. फिशिंग वेसल 10 ईयर वुडन वाले. और ड्रेजर्स और टग्स और बार्जेस और ये भी, ये तो उस इंडस्ट्री में जाके समझना पड़ेगा ये क्या क्या है, दे ऑल आर 14 ईयर्स. वेसल ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग इन इनलैंड वाटर्स स्पीड बोट 13 ईयर्स एंड अदर वेसल्स 28 ईयर. इनलैंड वाटर मतलब 12 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर. ए नॉटिकल माइल मतलब अ माइल विच इज वेरी नॉटी, नॉटिकल माइल्स या तो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर घूम लो, मतलब आप लोकल वाटर्स में हो, गोवा जा रहे हो, वहां पे जो चल रहे हैं स्पीड बोट्स अदर वेसल्स 13 ईयर्स 20 ईयर्स. एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर रेलवे 20 ईयर. सर मैं वैष्णो देवी पे चल रहा हूँ रोज 20 फेरे लगा रहा हूं तो भी 20 ईयर, कैसे कर रहे हो आप, नहीं हो सकता. वैष्णो देवी में चलने वाला हेलीकॉप्टर यूजफुल है 5 साल हार्डली, आप उस पर 20 ईयर नहीं लगा पाओगे. लेकिन उन्होंने तो दे दिया एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर एनी एस डी 20 ईयर्स, नो एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन. बस हाँ मैं तो सुबह से लेकर देवी जी के दर्शन लेकर रात के अगले दिन तक रोज चल रहा है हेलीकॉप्टर, उससे मतलब नहीं. योर यूजफुल लाइफ इज 20 ईयर्स, क्वाइट हाई. रेलवे साइडिंग लोकोमोटिव रोलिंग स्टॉक 15 ईयर. रोपवे स्ट्रक्चर 15 ईयर. ऑफिस इक्विपमेंट, वाओ ऑफिस इक्विपमेंट आए 5 साल. ऑफिस इक्विपमेंट 5 ईयर्स. कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट सर्वर और नेटवर्क 6 साल. एंड यूजर सर्विसेज सच एज डेस्कटॉप लैपटॉप एक्सेट्रा 3 साल. लैपटॉप वैपटॉप सब 3 साल में खत्म करो. ओ सर मेरी बैलेंस शीट में आज लैपटॉप चल रहा है जिसको 4 साल हो गए, पूरा राइट ऑफ कर दे जितना भी है उसको, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है यहाँ पे 3 साल. तो इस बार क्या बैलेंस शीट में जितने यूजफुल लाइफ खत्म है उन सबको खत्म करना पड़ेगा, आगे बताएगा कुछ ना कुछ करते हैं अपन. नेक्स्ट लैपटॉप 3 साल हो गया सर. लेबोरेटरी इक्विपमेंट 10 साल, 5 साल, 10 साल. इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट 10 ईयर्स. हाइड्रोलिक वर्क पाइपलाइन एंड स्लाइज दैट इज 15 ईयर्स. छोड़ो ये तो सब ईयर्स हैं, अब चालू होती है असली बात. फैक्ट्री बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड ऑफिस गोडाउन और स्टाफ क्वार्टर. तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर ही तुम्हारा एडमिन ऑफिस भी है, तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर ही स्टाफ क्वार्टर भी है. तुमने उठा के जितनी बिल्डिंग फैक्ट्री के अंदर है सबको फैक्ट्री बिल्डिंग ले लिया हो तो भैया समझ लेना फैक्ट्री बिल्डिंग में 3 चीजें इंक्लूडेड नहीं रहेंगी, ना ऑफिस ना गोडाउन ना स्टाफ क्वार्टर. वेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एनी एडिशन हैज बीन मेड टू असेट और वेयर एनी असेट हैज बीन सोल्ड डिस्कार्डेड डिमोलिश और डिस्ट्रॉयड द डेप्रिसिएशन ऑन सच एसेट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस. अच्छा हुआ आपने बता दिया, वैसे पुराना वाला भी यही कहता था. अगर आज से मशीन लगाई है मैंने तो आज से ही डेप्रिसिएशन शुरू करूंगा ना, रेडी टू पुट टू यूज के आगे
ऐसे में मत बनाओ, ये सिक्स पढ़ा हुआ है अपन ने. सो द सेम प्रोरेटा बेसिस हैज टू बी फॉलोड. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शैल ऑल्सो बी डिस्क्लोज इन एडिशन टू AS6. डेप्रिसिएशन मेथड यूज, वो तो AS6 भी बोलता है. यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल. वेरी गुड. अब ईयर मत बता देना, अपने ऑफिस में जाके कॉलम मत बता देना ईयर के. ईयर बताना सिर्फ तब जरूरी है जब आप डिफरेंट ईयर फॉलो कर रहे हो, अदरवाइज आपको ईयर बताने की जरूरत नहीं रहेगी. हमारे ऑफिस में रेट भी कहां बता देते हम, हमारे ऑफिस में तो बता देते, गलत बता देते. वहां भी यही था कि आपको डेप्रिसिएशन के रेट लिखने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप अदर देन शेड्यूल 14 फॉलो ना कर रहे होते. यहां भी वही है कि आपको यूजफुल लाइफ बताने की जरूरत नहीं है अदर देन. अब AS6 ने यूजफुल लाइफ का डिस्क्लोजर कभी नहीं मांगा, लेकिन ये यूजफुल लाइफ का डिस्क्लोजर मांग रहे हैं. अब हमको यूजफुल लाइफ का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. नाउ यूजफुल लाइफ स्पेसिफाइड इन पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल इज फॉर होल ऑफ द असेट वेयर कॉस्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ असेट इज सिग्निफिकेंट टू टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ दैट पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुल लाइफ ऑफ रिमेनिंग असेट. यूजफुल लाइफ ऑफ दैट सिग्निफिकेंट पार्ट शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली. कॉम्पोनेंटाइजेशन का वेलकम कर लो अब आप इंडिया में. एक प्लांट एंड मशीनरी आप लेकर आए हो, मैं अगर बोल रहा हूं कि यूजफुल लाइफ प्लांट एंड मशीनरी का 18 साल है तो वाकई में 18 साल है, लेकिन उस प्लांट एंड मशीनरी का कोई ऐसा पार्ट है जिसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है और उसकी डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, तो उसको आपको डिफरेंट ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा उस डिफरेंट यूजफुल लाइफ के साथ. क्लियरली बोल दिया है. जरूरी नहीं है कि पूरी प्लांट एंड मशीनरी की यूजफुल लाइफ 18 साल ही लोग. दैट्स इट. Depreciation amount is the cost of an asset or the amount substituted for cost less residual value. Ordinarily, the residual value of asset is often insignificant, but it should generally be not more than 5% of the original cost of the asset. They have restricted the residual value to 5% of the cost of asset. Then, the useful life of asset working shift basis. लो भैया तुम्हारा वो जो shift wise depreciation था 180 days, 182 days, सब खत्म हो गया. 240 दिन, 180 दिन, seasonal, non-seasonal, आराम यार, कोई मतलब नहीं है. आधा घंटा पढ़ाओ और सवाल एक कराओ और उसके बाद भी चार बच्चे dissatisfied, तो better है वो provision का जाना ही अच्छा है. तो यहां क्या है, अब ये आया, ये कौन सा समझ में आ जाएगा. The useful life of asset working on shift basis have been specified in the schedule based on their single shift working, except for the asset in respect of which no extra shift depreciation is permitted, जिनके आगे NESD लगा हुआ है. If an asset is used for any time during the year for double shift, depreciation will increase by 50% for the period, and in case of triple shift, the depreciation shall be calculated on the basis of 100% for that period. Bada easy ho gaya. Humne upon ek extra shift depreciation kin ke aage le sakte hain pehle to ye dekhe, kyunki jin ke aage NESD nahi laga hua hai unhi ke aage aap kya le sakte ho डेप्रिसिएशन. तो पहले तो ऐसी एसेट ढूंढे जिनके आगे NESD न लिखा हो. तो ढूंढो, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी में बिल्डिंग NESD हो गई, ब्रिज, कलवर्टर्स, बंडल्स, ये सब इसके आगे आपके NESD लिखा हुआ है. रोड्स के आगे आपने NESD लिख दिया. प्लांट एंड मशीनरी है जिसके आगे NESD नहीं लिखा हुआ है. हेलो, प्लांट एंड मशीनरी के आगे जो कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट है उसके आगे NESD लिखा हुआ है. तो ये कुछ प्लांट एंड मशीनरी के आगे NESD है, कुछ के आगे नहीं है. वो तो ठीक है, मुझे प्लांट एंड मशीनरी से मतलब नहीं है, मैं और आगे जाना चाहता हूं. आओ, फर्नीचर NESD, मोटर व्हीकल NESD, शेप्स NESD, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर NESD, रेलवे साइडिंग NESD, रोपवे स्ट्रक्चर NESD, सब तो NESD है,
खाली प्लांट एंड मशीनरी पे एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन लग रहा है सर, यहां से कंक्लूड हो गया। चिल्लाए तो इतनी जोर से थे कि अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन, जैसे यहां इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन दे ही देंगे, पर कहां आया? ये तो सब टेंजिबल एसेट्स है, सॉफ्टवेयर कहां है इसमें? हार्डवेयर ही हार्डवेयर आया पूरा, पेटेंट नहीं आए, कॉपीराइट नहीं आए, लाइसेंस नहीं आए, कहां गई वो सब एसेट? कहीं नहीं गई सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जिंदा है, यूजफुल लाइफ 10 साल, रेसिडुअल वैल्यू जीरो। इसके अलावा आपको बतानी हो तो इनविडेंस लाओ, नहीं तो उनका अमोर्टाइजेशन वैसे ही करेंगे जो एस 26 चाहेगा। अब एनईएसडी सारा घूम लिया, एनईएसडी आप सिर्फ कहां दिखा रहे हो? प्लांट एंड मशीनरी। तो अब एक काम करता हूं, इस बार प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। प्लांट एंड मशीनरी का कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन आया 10 लाख। कैसा? नॉर्मल। बोले साहब इसको 2 महीने हमने डबल शिफ्ट में चलाया था, तो प्रोराटा बेसिस पे 2 महीने 50% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा दो। नहीं, कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक मिनट, 10 लाख तो आपने लगा दिया क्या साल भर का? अब वो बोल रहे हैं कि ये 10 लाख तो आपने लगा दिया है साल भर का, अब आप एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो कैसे? द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट वर्किंग एनईएसडी तो लिख दिया, इफ एन असेट इज यूज फॉर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर फॉर डबल शिफ्ट, द डेप्रिसिएशन विल बी इंक्रीज बाय 50% फॉर दैट पीरियड। उस पीरियड का जो डेप्रिसिएशन है आपका वो 50% से बढ़ जाएगा। अब बढ़ा के बताओ मेरे को, 50% से 2 महीने का डेप्रिसिएशन, 10 लाख ओरिजिनल डेप्रिसिएशन है, 2 महीने डबल शिफ्ट एग्जाम किया, करो बे, अगली एग्जाम में आएगा, क्या कर रहे हो, पागल हो क्या तुम लोगों को? ऐसा तो नहीं लग रहा मैं कोई फैंटेसी सुना रहा हूं यहां पे? बस तुम्हारी एग्जाम में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही ऐसे करना है, कब करोगे? अरे जब आएगा जब देख लेंगे, अगले रिजल्ट में सजेस्टेड आ जाएंगे फिर करेंगे। क्या कर रहे हो? 10 लाख का टोटल डेप्रिसिएशन लगा है 12 महीने का, हेलो, और 2 महीने का डेप्रिसिएशन निकालो, उसमें कितना आया? वही तो बोल रहा हूं, आप कैसे करोगे? लो ये 1,66,666 निकाल रहे, वो 10,83,000 निकाल रहे, 10,83 कैसे किया? 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। अरे ठीक है ना, 2 महीने का जो डेप्रिसिएशन है उसको मल्टीप्लाई कर ले 1.5 से, खत्म। दैट विल बी द डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा फॉर द 2 मंथ्स। करके बताना चाहिए ना आपको, ऐसे हम टीपेंगे नहीं जब तक कैसे समझ में आएगा। वैसे भी ये जिस लेवल की बात चल रही है उसमें टीपने टिपाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब टिपवा भी दूंगा तो वो लोग बोर ही होंगे जिनको समझ में आ रहा है, टिप के रख भी लिया तो उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला है जो मैंने समझाया। सर सीधी सी बात है, 2 महीने का जो डेप्रिसिएशन है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 महीने अगर आपका है तो 3 महीने के डेप्रिसिएशन को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब वो बोल रहे हैं अगर ट्रिपल शिफ्ट में काम किया हो तो ठीक है, 2 महीने का डेप्रिसिएशन डबल कर दो, बाकी डेप्रिसिएशन वही रहेगा। जिन महीनों में आपने एक्स्ट्रा काम किया है उनका डेप्रिसिएशन एक्सीड कर जाएगा 50% और 100%। इससे इजी तो दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। बड़ा इजी हो गया सर, मजा आ गया, गुड। अभी तो और आगे, फ्रॉम द डेट दिस शेड्यूल कम इन टू अफेक्ट, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। फ्रॉम द डेट दिस शेड्यूल कम्स इन टू इफेक्ट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एज ऑन दैट डेट शैल बी डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ असेट एज पर दिस शेड्यूल। करो बेटा अलग अलग अवरोड, ये वो सब प्रोस्पेक्टिवली लगेगा, लेकिन लगेगा अलग अलग करके। कितना बढ़िया जॉब है, आज ही से चालू कर दो, ऑफिस में आके फुर्सत में मत बैठना, बोला सर मर जाएंगे ये कैसे करेंगे, चलो आओ अपन अलग अलग करें, टेक अ लीड। क्या छोड़ो, मोटिवेट करने का क्या मतलब है जिनके ऑफिस ही नहीं हूं। After retaining
मजा आएगा अब. After retaining the residual value shall be recognized in the opening balance of retained earning where the remaining useful life of asset is nil. अभी कई asset ऐसी मिलेंगी जिनकी useful life schedule के हिसाब से खत्म हो चुकी होगी. हेलो, सारी उठा के खत्म और ओपनिंग रिजर्व में से माइनस, तो और क्या रिटेन अर्निंग बोल रहा ना. एक मिनट, अभी तक कुछ लोगों को ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हमको करना है. अबे अभी करना है, ये जून वाले क्वार्टर के रिजल्ट में ही करना पड़ेगा. ऐसे थोड़ी हुआ ना, हमारे ऑफिस में कोई माहौल ही नहीं, आदमी फोकट माहौल बना रहा है. पागल हूं जो पढ़ा रहा हूं, ये जून में ऑफिस में काम करना है अपने को. इसी पे एप्लीकेबल हो गया क्या? 1/4 एप्लीकेबल लगाओ जाके. जून वाला क्लाइंट नहीं हमारे यहां, बहुत अच्छा ऑफिस ज्वाइन किया आपने. नाउ आफ्टर रिटेनिंग द रेसिडुअल वैल्यू, जो रेसिडुअल वैल्यू उसको रिटेन कर लो और बाकी जितना भी है सब उठा के ओपनिंग बैलेंस में से राइट ऑफ करो और उधर रिटेन अर्निंग में से खत्म करो. कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लान को तो मारो गोली. अपन तो बी वाला पॉइंट अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. प्रोस्पेक्टिवली सब कुछ रिकम्प्यूट होगा. अब जाओ अपने अपने ऑफिस ब्रैकेट में अगर कोई है तो, और चालू करो इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि ये तो अब लग गया शेड्यूल टू. सर वो 5000 रुपए से कम की एसेट गई तेल लेने, कोई 5000 का प्रोविजन नहीं है, कोई 100% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है, ही कहां? पहले था ना वो 5000 रुपए की प्लांट एंड मशीन भी हो, फिर उसकी ग्रॉस वैल्यू 10% हो, और फिर वो पगले सरी के 48000 का प्लांट हो तो 4800 के प्लांट को अपने को नॉर्मल रेट से लगाना पड़ेगा, और 100% कुछ नहीं है. अब तो क्या ये हमको इजाजत दे रहा है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए? यस सर, इजाजत तो दे रहा है, लेकिन बात अभी बाकी है मेरे दोस्त. रूल्स किसने पढ़े? क्यों ओ भाई साहब, ये यहां चिल्ला चिल्ला के बोला था. इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड हु स्टेटमेंट कंप्लाइड विद 133, तो अब इनके लिए अपने को रूल्स पे भी जाना पड़ेगा. लेकिन अब एक मिनट, शेड्यूल 14 के बारे में बात कर लूं कि कुछ चीजें उसमें से अब गायब हो गई, रेट अपने पास है नहीं. अब सबसे पहले तो ऑफिस में जाके अपने को जो डेप्रिसिएशन चल रहा था उनके सबके रेट्स कैलकुलेटेड थे अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड रेट्स. नाउ हाउ टू कंप्यूट द रेट? या तो SLM लगा दो. तो SLM में रेट निकालूं क्या? रेट निकालना है तो निकालो, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड SLM लगाओ, खत्म करो हर साल, माइनस करो रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. लेकिन व्हाट अबाउट द WDV? वी हैव टू रिकम्प्यूट द रेट सर. आज अगर मैं किसी बैलेंस शीट को उठाऊं और उसके अंदर मुझे दिखे कि प्लांट एंड मशीनरी का कैरिंग अमाउंट है 23 लाख, सर लिखो एग्जाम में आएगा, जो इन 6 महीनों में ऑफिस में होगा उस पर कम से कम एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का एग्जाम में जरूर आएगा. और इन ऑफिस में 6 महीनों में क्या होना है वो भी देख लो. ये होना है, एक असेट की वैल्यू आ रही है 23 लाख, असेट का कैरिंग अमाउंट आ रहा है 23 लाख, जिसपे मैं जिस भी रेट से डेप्रिसिएशन लगा रहा था लगा रहा था. रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर न्यू शेड्यूल टू, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर न्यू शेड्यूल टू 8 years. रेसिड्यूअल वैल्यू 5% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, 5% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, एंड ओरिजिनल कॉस्ट इज 100 lakhs. 5% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है?
हंड्रेड लैक्स. अब इस साल से आगे हाउ टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल टू. निकालो रेट निकालो. तरुण ने बताया है, रविजीत ने बताया है, नाट्य एकेडमी में दो दो टीचर ने बताया है. नाउ गिव मी WDV डेप्रिसिएशन रेट. गई. कुछ नहीं करना है, रीस्टेट नहीं करना है. चलाओ कैलकुलेटर, चलाओ. क्या कर रहे हो? निकाल के दो मुझे WDV का रेट इस साल से जो लगेगा ऑफिस में. मल्टीप्लाई इक्वल टू करो करो करो. हाँ जी 17.3 कैसे आया बताएं इन लोगों को जरा. अपन पहली स्टेप आपने क्या की, एक मिनट. नॉर्मली तो वो लगेगा कौन सा, 1 - nth root of रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट, 1 - 8th under root of रेसिडुअल वैल्यू 5% है 5 लाख डिवाइडेड बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट आज की जो है कितनी 23 लाख है ना, कितनी आज की 23 लाख. अब इसको या तो लॉगरिथम टेबल से कैलकुलेट कर लो या आपको जो मालूम है कैलकुलेटर पर. ऐसे कैलकुलेट करते हो कैलकुलेटर पर. एक मिनट, सबसे पहले स्टेप आपकी क्या होती, कैलकुलेटर पर चालू हो जाओ. कुछ लोगों को आज पहली बार सीख रहे हैं, एक मिनट वो उसमें मत जा बिकॉज वो 8 ईयर्स है, इसलिए 3 बार में काम चल जाएगा. अपन पूरा बता दें क्योंकि शॉर्टकट में निपट जाएंगे. तो पहले क्या करूं, 5 / 23 करूं? अरे हेलो, चलो करो जरा. उसके बाद क्या करूं जी, 12 times under root प्रेस करूं? ओके. अरे मत करना शॉर्टकट, क्यों लगा रहा है यार तू, अभी पहले कंफ्यूजन दुनिया में. और तीसरा जो आए ये आएगा ए, इस ए में से -1 करूं? उसके बाद क्या करूं,
डिवाइडेड बाय 8. क्यों? तुम दो मिक्स कर रहे हो. ओके हाँ, 8 इयर्स उसकी यूजफुल लाइफ, इसलिए 8. जो भी आता है वो आया बी, बी में कर दिया प्लस 1. अब फिर अब मैं 12 बार पहले इनटू दबाऊंगा और फिर इक्वल टू दबाऊंगा, उसके बाद जो आएगा उसमें से एक माइनस करूं कि 1 में से उसको माइनस करूं. उसके बाद जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तब जाके मिलेगा 17.36. जरा करके देखो कि हमारा ड्राई रन सही है कि नहीं. का हुआ नहीं है? आ गया. 8 साल में 17.36 माइनस करके देख लेना, आखिरी में 5 लाख बच भी रहे कि नहीं, तो ही आपका सही है वो. हेलो, ये एक्सरसाइज पूरी करनी पड़ेगी. अब सारे ट्रेड जितनी भी कंपनीज हमारी हैं जो WDV पे चल रही हैं, उन सारी कंपनीज के अंदर आपको क्या लेना पड़ेंगे, ट्रेड से लेना पड़ेंगे. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, is this a change in method of depreciation or it is a change in accounting estimate? Sorry, accounting estimate mein change hona chahiye ya accounting method mein change hona chahiye? आधे लोग दुनिया में कह रहे हैं कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है और आधे लोग कह रहे हैं कि ये अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज है. इज इट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और इज इट अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट? व्हाट हैज बीन अफेक्टेड बाय दिस शेड्यूल? ओनली यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. You need not to change your accounting policy. आप अगर WDV से follow कर रहे हो तो आप WDV follow करो. Rate revise हो रहा है. ओ सर, आपने अभी जो निकाला वो rate revised है. ये किनके ऊपर लगेगा? जो अभी तक WDV लेके चल रहे हैं. अरे यार, जो WDV लेके चल रहे हैं उनके हम method क्यों change करेंगे? हम खाली rate change करेंगे ना. Rate change हो गए, बात खत्म हो गई. How we can treat it as an accounting policy, that is beyond my understanding. क्यों लोग कह रहे हैं कि accounting policy में change है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. क्योंकि change in accounting policy है नहीं, it is change in accounting estimate. The whole useful life is getting change and the yes, बोलो. तो आप वो rate आज भी लगाओ ना, कौन मना कर रहा है? एक मिनट, इसने आज भी ये नहीं बोला कि आप यूनिट प्रोडक्शन मेथड मत लगाओ. मान लो मैं हेलीकॉप्टर चला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे को फ्लाइट आवर्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है. ये शेड्यूल मुझे रोक ही नहीं रहा है. ये बोल रहा है फ्लाइट आवर्स के हिसाब से. अगर तेरे हेलीकॉप्टर की यूजफुल लाइफ कितनी, 18 साल दी थी, 20 साल दी है, तो 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए. पहले तो WDV SLM था, उसके अलावा भी मेथड अलाउड थी. फ्लाइट आवर्स से डेप्रिसिएशन लगा सकते थे. सेक्शन 205 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी खुद ही कहता था, एनी अदर मेथड, बट द यूजफुल लाइफ शैल नॉट बी मोर देन और लेस देन दैट.
आप आज भी कोई भी मेथड लगा सकते हो डेप्रिसिएशन की, बस ये ध्यान रखना है कि यूजफुल लाइफ जो दी गई है उससे ज्यादा नहीं हो जाए और रेसिडुअल वैल्यू जो दी गई है उससे ज्यादा नहीं हो जाए, ज्यादा हायर, हायर दोनों हायर है ना, तो यूजफुल लाइफ उससे हायर होनी चाहिए ना रेसिडुअल वैल्यू उससे हायर होनी चाहिए। अब अगर इस चेंज को ये कह के डराया जाए लोगों को कि ये तो बहुत बड़ा चेंज है और इससे तो एफएम के फंडे हिल जाएंगे, अबे एफएम के फंडे क्यों हिलेंगे इससे बता मेरे को मूर्ख आदमी, इससे क्या एफएम में फर्क पड़ रहा है मेरे को बताओ इस डेप्रिसिएशन से, खाली कैलकुलेशन का मोड चेंज हुआ है सरकार, बाकी कहीं इफेक्ट नहीं आया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो पूरे ही चेंज हो गए, क्या चेंज हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यार बताओ मेरे को, क्या डेप्रिसिएशन में कोई भयानक चेंज आ गया, कुछ नहीं आया, एक ट्रांजिशनल फेज आया जरा सा दूर होगा रिकम्प्यूट होंगे डेप्रिसिएशन दैट्स इट, सवाल जरूर बदल जाएंगे, अब ट्रांजिशनल फेज वाले प्रॉब्लम्स आएंगे, इफ दे विल नॉट गोइंग टू आस्क यू दोस ट्रेडिशनल प्रॉब्लम, नाउ दे आर गोइंग टू आस्क यू ट्रांजिशनल फेज प्रॉब्लम्स, तो उसमें इसको अहुआ बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ही पढ़ा दिया तो फिर अब तो कोई भी पढ़ा सकता है दुनिया में, जब मेरे जैसा आदमी पढ़ा सकता है तो बात ही खत्म हो गई, तो मतलब आप ये मान लो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, और बहुत बड़ी चीज होती तो मेरे जैसा ढक्कन आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता था, तो आप बहुत क्लियरली मान लो कि ये डेप्रिसिएशन इज क्वाइट इजी, अब इसका हुआ बनाना हो तो पूरी दुनिया में हुआ बनाते फिरो कि इसमें चेंज है उसमें चेंज है ये चेंज है वो चेंज है, कोई मतलब नहीं उस चीज का, कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा, इससे क्या चेंज आ जाएगा बताओ मेरे को, चलो मैं बोलूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में चेंज आ गया, क्या आया 6 में चेंज आ गया, 6 में क्या चेंज आया बताओ इससे, ना 6 में चेंज है ना 10 में चेंज है ना 16 में चेंज है ना 11 में चेंज है ना 19 में चेंज है, प्रॉब्लम ये है कि चेंज तो कहीं है ही नहीं, तो फिर चेंज चेंज का हुआ क्यों बोलने गया, कमाना है यार, पूरे देश में सेंटर खोल के बैठे हैं, बच्चे नहीं आएंगे तो डर डर का बिजनेस है, तो डराओ बुलाओ सताओ पढ़ाओ और फेल कराओ, यस सर कहेगा 180 दिन, कौन सा 240 दिन, सब खत्म सर, इनकम टैक्स वाला फंडा अभी भी 180 लेस देन 180, वो इनकम टैक्स में यहां का है, यहां तो सीजनल नॉन सीजनल कुछ भी नहीं है सर, अब तो सब अपन बहुत सुखी हो गए, रेसिडुअल वैल्यू प्रिस्क्राइब कर दी ना 5% सभी के लिए, 5% प्रिस्क्राइब मैक्सिमम 5% पार्ट सी ने प्रिस्क्राइब कर दी ना मैक्सिमम 5% बोलिए, क्या नहीं हो रिटेन अर्निंग नहीं हो तो डेबिट बैलेंस दिखाओ पीएनएल में, और दिखाओ ना रिजर्व्स एंड सरप्लस में डेबिट बैलेंस, रिटेन अर्निंग नहीं हमारे पास तो क्या करें, डेबिट बैलेंस दिखाओ पीएनएल में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में डेबिट बैलेंस, पीएनएल में नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में डेबिट बैलेंस, और कोई क्या भी वो करते थे अब क्या करेंगे, अब बोलो उस समय पढ़ा देता सारा, जब मेरे को मालूम था ये होने वाला है उस समय पढ़ा देता कंपनी ऑडिट क्या तुम तो ये पढ़ लो, और पढ़ते ही सब एक्सटिंक्ट कोई काम का नहीं, और अटेम्प्ट है तुम्हारे मई और नवंबर में, अभी तो मैं जब जब जहां जहां सेमिनार लूंगा इंदौर में तुम सबको वहां वहां आना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये दिस इज अ फर्स्ट रीडिंग, इट इज नॉट एनालिसिस, अभी मैं पूरे अगले 6 महीने में आग लगाऊंगा, एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर भरूंगा एक बार आईसीआई भरना है वो होना ही है, तो एनालिसिस अब आएंगे जैसे जैसे चीजें डेवलप होंगी, बट ये तो फर्स्ट रीडिंग है, तो डेप्रिसिएशन में अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, कल अपन इसके बारे में और बात करेंगे।